नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस कोरोना महामारी के बीच बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हौसले बुलंद हैं, उन्हें इन मजदूरों की, उन्हें इन गरीबों की मदद के लिए ऐसे महामारी के बीच जो एक एक रुपए जुटाए थे, सपने सजाए थे, वो उन लोगों को दान कर रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है मदद करने की। इन नन्हे मुन्ने बच्चों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ज़रूरत है वर्षों से जुटाए हुए पैसे ऐसे मौके पर वो दान कर रहे हैं जिसकी हम आप सराहना कर सकते हैं। लेकिन इस देश में बहुत से लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, उनकी तिजोरी भरी पड़ी है, लेकिन वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जो एक एक रुपए वो जमा किए थे, वो जो है ऐसे मौके पर निकाल कर वो उन मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उन बेसहारों की मदद कर रहे हैं। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के रहने वाले 3 साल के कबीर नामक बच्चे ने पुलिस मुख्यालय यानी अपने माता पिता के साथ मुख्यालय में पहुंचकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से मुलाकात की और उन्हें 50,000 रुपये का चेक सौंपा। कोरोना संकट के दौरान मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कबीर ने यह पैसे पुलिस फाउंडेशन को दान किए। जो पैसे 50,000 दान किया है, कप और केक बेचकर जुटाया था इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने। चेक थमाते हुए इस बच्चे ने एक पर्ची भी सौंपी थी जिस पर लिखा था, डियर पुलिस अंकल, हमारी सुरक्षा करें, हमारी देखभाल करें, प्लीज वायरस को पकड़िए और उसे अपनी गनों से शूट कर दीजिए। मैं अपने नाना से मिलने जाना चाहता हूँ। बच्चे की चिट्ठी पढ़कर मुंबई पुलिस कमिश्नर भावुक हुए। उन्होंने कहा, कबीर ने अपनी माँ के साथ कप और केक बनाया था और उसे बेचकर पैसा दिया है, बेचकर पैसा जमा किया था जो आज पुलिस फाउंडेशन को दिया है। इस महामारी में पुलिस काम कर रही है, लोगों की मदद करने में जुटी है, लोगों की सुरक्षा करने में जुटी है। एक और तस्वीर देखें। ये मुमरा पुलिस के नए सीनियर PI हैं, कन्हैया थोराट। इन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाले हैं। मुमरा कौसा में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन काफ़ी सख्ती में है। मुमरा में जो है जगह जगह पर नाकाबंदी कर लगाई गई है और उसके बावजूद, जिसके बाद मुमरा कौसा में कई इलाके अब तक सील किया है और उसी के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर कन्हैया थोराट शाम के वक्त लग रहे जगह जगह हाथ गाड़ी, प्रशासन के मना करने के बावजूद लग रहे हैं। लेकिन अब कन्हैया थोराट का नया नियम, नई अंदाज सामने आई है। पहले ऐसा था, हाथ गाड़ी पर रखे सामग्री जब्त कर लेते थे और बाद में उसे दे देते थे, लेकिन अब गरीब मजदूरों को अपने हाथ से फ्री में बांट रहे हैं कन्हैया थोराट। जिन लोगों ने हाथ गाड़ी लगाया है, जगह जगह पर जैसा शाम के वक्त आपने देखा होगा, लगती है गाड़ी। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो है कन्हैया थोराट जो है हाथ गाड़ी से सामग्री, वो फ्रूट हो या अन्य चीज़ें हो, किस तरह से लोगों को बुला कर दे रहे हैं। कन्हैया थोराट का मकसद है कि जो है दोबारा हाथ गाड़ी सड़कों पर ना लगे, क्योंकि जो है जिस तरह से लोग जो है दुकानें लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से मुमरा कौसा में कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन जिस वक्त पल में ठेले पे रखे फ्रूट फ्री में बांट कर खत्म कर दे रहे हैं, दुकानदारों की चिंता का विषय है। लेकिन जिन लोगों को फ्री में मिल रहा है, उन्हें कितनी खुशी है, वो ये चाहते हैं रोज मिलता रहे। बस ये तस्वीर देखें आप जो है किस तरह से खुशी है। ये तस्वीर है मुमरा के रसीद कंपाउंड की। एक ये भी तस्वीर देखें, ये मुमरा के रसीद कंपाउंड की तस्वीर है। इस सर्कल से गुजरने वाले हर शख्स को पता है कोरोना वायरस का कहर है। मुमरा कौसा में वायरस तेजी से बढ़ रहा है, मगर उसके बावजूद बाइक पर सवार लोग चल रहे हैं। इसी बीच कन्हैया थोराट ने नाकाबंदी कर सड़कों पर सैकड़ों बाइक जमा किया और उसे जब्त कर लिया है। लेकिन फिलहाल कन्हैया थोराट जिन लोगों की बाइक जब्त कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर देखना होगा कौन इमरजेंसी में घर से बाहर निकला है, ज़रूरत के सामान लेने के लिए कौन निकला है, उन्हें उनकी बाइक या उन्हें उनकी जो कारण है वो बताते हैं तो उन्हें छोड़ना चाहिए उनकी बाइक, उन्हें और जाने देना चाहिए। कई दिनों से इसी स्पॉट पर यानी रसीद कंपाउंड के सर्कल पर कार्रवाई किया जा रहा है, तो आप लोग सावधान रहें, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।